दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल अचीवर्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो है एग्जैक्ट इक्वेशंस। इन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये है पार्ट 4 एंड हमारे लेक्चर नंबर है 28। इससे पहले गाइस मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म और लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म में मैंने आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना भी सिखाया था। तो चलिए हम मूव करते हैं अपनी आज वाली क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिया होगा लास्ट वीडियो में, तो वो क्वेश्चंस क्या थे एक सेकेंड रुकिए गाइस, मैं बस अपना पिछला वीडियो देख के ज़रा सा ये देख लूँ कि होमवर्क क्वेश्चन में मैंने आपको क्या क्या दिया है। एक बार होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करके फिर हम आगे चलेंगे। ओके गाइस, मुझे अभी आपका नहीं मिल रहा है क्या था वो क्वेश्चन वीडियो में, मैं आपको बाद में देख के बता दूंगी क्वेश्चन अगर मैंने कुछ होमवर्क में दिए होंगे। फिलहाल हम अपना आज का स्टार्ट करते हैं, विच इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था, वो आपका डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में होगा। बेसिकली डी इस लिखा हुआ इस फॉर्म में होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन जिसमें आपके इस तरह के जो है डिफरेंशिएशन के जो है सिंबल्स वो यूज़ होते हैं। इनका डिग्री ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बता दिया था मैंने आपको। फिर मैंने आपको क्या बताया था, हो सकता है आपको एक क्वेश्चन मतलब एक सॉल्यूशन दिया हो नॉर्मल इक्वेशन, इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में आने को, तो आप वहाँ क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं वाई को और डिफरेंशियल इक्वेशन बना देते हैं। फिर कई बार आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और आपसे सॉल्यूशन पूछा होगा, तो सॉल्यूशन पूछने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट किया है तो उल्टा जाने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट कर देंगे हम। पर इंटीग्रेट करने से पहले हमें उनको कुछ एक स्पेसिफिक फॉर्म में लाना पड़ता है जिससे कि हम उसको इजीली इंटीग्रेट कर पाएँ, ठीक है। उस स्पेसिफिक फॉर्म में लाने के लिए हमें कई मेथड देखे थे अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। कहीं पर वेरिएबल सेपरेबल लग रहा था, कहीं होमोजीनियस, कहीं लीनियर, और अब हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि सॉरी कहीं हमारे जनरल सॉल्यूशंस जो होते हैं उसकी भी इक्वेशंस दे रखी थी। लाइक जैसे आपने लीनियर में देखी थी, क्या थी लीनियर की, कोई लीनियर की जनरल इक्वेशन जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में लीनियर है तो जो जनरल इक्वेशन है वो भी लिखो, और अगर वाई के रिस्पेक्ट में लीनियर है तो जो जनरल इक्वेशन बनती है वो भी लिखो, दोनों लिखो कमेंट बॉक्स में। तो इतना हमने सब पहले पढ़ लिया था, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एग्जैक्ट इक्वेशन। अभी एग्जैक्ट इक्वेशन बताने का रीज़न क्या है, देखो हमने जब ये सब पढ़ी थी तो इसमें हमारा पहचानने का कुछ ना कुछ तरीका होता था। यहाँ पे हम इजीली सेपरेट कर देते थे, फिर होमोजीनियस में अगर हमारा डी वाई बाई डी एक्स लिखा है तो यहाँ भी फंक्शन हमारा एक्स वाई और एक्स वाई इस फॉर्म में होता था। सिमिलरली लीनियर में भी हमारा किस फॉर्म में होता था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू इस फॉर्म में होता था हमारा फंक्शन। सिमिलरली एग्जैक्ट इक्वेशन का जो होता है ये भी आपकी डिफरेंशिएशन, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में होती है। वो फॉर्म क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये क्या है, तो वाइज देखिए हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे पहचानेंगे। अगर आपकी इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में दी है, इक्वल्स टू जीरो की फॉर्म में दी है, तो उसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप बोलोगे मैडम इसमें तो आपने क्या ही बता दिया, सपोज आपकी इक्वेशन ऐसे लिखी है, ये आपकी इक्वेशन लिखी है, तो आप इसको कैसे कह सकते हो कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। इसमें तो आप वेरिएबल सेपरेबल भी लगा सकते हो, और सपोज अगर यहाँ पे भी ये वाई दिया होता, यहाँ पे वाई दिया होता, तो आप यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल भी लगा सकते हो, या फिर इसमें होमोजीनियस भी लगा सकते हो जो पहले मैंने लिखा था यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो आप इसमें फिर होमोजीनियस भी लगा सकते हो या फिर लीनियर भी लगा सकते हो। तो इसमें आपने कैसे डिफरेंशिएट कर दिया, लाइक आप डी एक्स इसको अगर आप सेपरेट कर देते हैं इक्वल्स टू माइनस का ये वाला टर्म यहाँ पे इक्वल्स इंटू डी वाई, और फिर डी एक्स बाय डी वाई करके, और इसको फिर लिख के हम होमोजीनियस भी लगा सकते हैं, या कुछ इधर रीशफल करके लीनियर भी लगा सकते हैं। आपने इसको एग्जैक्ट कैसे बोल दिया, ये एग्जैक्ट क्यों हुआ, तो देखिए ये इक्वेशन आपकी सिर्फ एक नॉर्मल इक्वेशन है। एग्जैक्ट है या नहीं इसको पता करने का एक तरीका होता है, वो क्या, हमारा
पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब ये जो टर्म लिखा है इसका एक्स की रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर इक्वल आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब ये कैसे हो सकता है मैडम पूछो, वो भी होगा कि आगे जब हम एग्जांपल देखेंगे तो ये चीज़ भी होगी। तो अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, इस तरह से कोई भी इक्वेशन गिवन है उसमें अगर आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब अगर आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका कुछ जनरल सॉल्यूशन भी निकलेगा। तो क्या जनरल सॉल्यूशन निकलेगा इसका, इसका जनरल सॉल्यूशन आपका निकलता है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, मतलब ये वाला जो टर्म है आपका कम्प्लीटली ये, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई। क्या मतलब इसका, इसका मतलब कि n n के आपको वो टर्म्स सिर्फ लेने हैं जिनके अंदर आपका x ना आता हो, मतलब x वाले टर्म आपको नहीं लेने हैं, सिर्फ y वाले टर्म लेने हैं या कांस्टेंट टर्म्स लेने हैं या कोई भी टर्म हो, बस x ना हो उसके अंदर। ठीक है, अब ये कैसे है, क्या है, इसके लिए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन एग्जाम्पल, तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड ओके, ज़रा मुझे बोर्ड इरेज कर दीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल इज योर, इफ योर क्वेश्चन इज लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई, सो दिस इज योर क्वेश्चन। अब आप बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस ए एक्स एम डी वाई कुछ जीरो। अब बताइए, देखिए मैंने आपको क्या बताया, अगर आपकी इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो की फॉर्म में है तो इसमें हम चेक करेंगे कि हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट हो जाती है तो हमारा जनरल सॉल्यूशन का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, अगर एग्जैक्ट नहीं होती है तो उसको हम बोलेंगे नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। फिर उसमें हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने के और मेथड्स हैं आगे, वो मैं आपको तब पढ़ाऊंगी जब अभी हम इसके बाद नॉन एग्जैक्ट पे जाएंगे, तब मैं आपको वो पढ़ाऊंगी, फिलहाल हम इतना देख रहे हैं। तो इस अभी हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा एग्जैक्ट है कि नहीं। अब आप बोलोगे कि मैम हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि हम इसको चेक करें, देखिए गाइस या तो आप इसको वेरिएबल सेपरेबल से कर लीजिए, लेकिन वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा सकते, यहाँ एक्स है और ए वाई है, यहाँ पर एक साथ हैं दोनों, तो वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाएंगे आप। ये शायद कर भी देंगे तो इसको ट्राई करिएगा, अगर कर पाए तो वैसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसमें कुछ और होमोजीनियस वगैरह इक्वेशन का मेथड लगा के देख सकते हैं अगर आपको चाहे तो, लेकिन बेस्ट चीज़ अगर आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में दिख जाए तो आप इसका एग्जैक्ट चेक कर लीजिए, अगर एग्जैक्ट नहीं है फिर कुछ और इस पर लगाने का देखिए। तो सबसे पहले जब हम इसका एग्जैक्ट चेक करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, डेल एम बाई डेल एक्स शुड बी इक्वल्स टू डेल एम बाई डेल वाई टू मेक द इक्वेशन एग्जैक्ट। ओके, सो वॉट इज़ द एम हियर, एम इज़ एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेल ऑफ एन, वॉट इज द एन हियर, एन स्क्वायर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए वाई। नाउ वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो द डिफ्रेंशिएशन ऑफ टू एक्स सॉरी, अब अगर वन सेकेंड गाइज, अच्छा गाइज आई नोट में मैंने लास्ट स्लाइड में क्या लिखा था, रियली सॉरी अगर मैंने एक चीज़ गलत लिख दी है तो, क्योंकि मैंने यहाँ वो चीज़ गलत लिख दी है इसलिए मुझे लग रहा है कि मैंने पहले भी तो ये गलत नहीं लिख दिया था, ये डेल एम अपॉन में डेल वाई होता है। ठीक है, मैंने शायद वहाँ पे भी डेल एक्स लिख दिया था और ये डेल एक्स होता है। ठीक है, एक सेकेंड दीजिए गाइस मुझे, अगर ये क्लियर चल जाए एक मिनट, गाइज मैंने भी आपको बताया था कि अगर हमारी इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में है इक्वल्स टू जीरो तो इस ये एग्जैक्ट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है डेल एम बाय डेल वाई इक्वल्स टू डेल एम बाय डेल एक्स।
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारी वो इक्वेशन एग्जैक्ट होती है और फिर हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन वाली इक्वेशन ठीक लिखी थी मुझे याद है, पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि ये तो मैंने कहीं आपको गलत नहीं लिखवा दिया है। तो डू रिमेंबर हमारा ये वाला होता है, अगर मैंने पहले गलत लिखवा दिया तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइस, प्लीज़ आप मेक श्योर कि उस चीज़ को यहाँ पे करेक्ट कर लें अगर पहले गलत लिखवा दिया है तो। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलती हूँ, क्वेश्चन वो रब करके, ये चीज़ स्पेशली अलग से बताना बहुत इंपॉर्टेंट था, आई डोंट वॉन्ट टू मेक मिस्टेक इन द एग्जाम बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट। सो ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर, वो ये क्या हो रहा है इसमें, क्वेश्चन हमारा क्या था गाइस, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, आई थिंक आपको स्क्रीन पे कुछ विजिबल नहीं है ना, एक सेकेंड गाइस रुकिए मैं उसको जरा क्लोज करके दोबारा स्टार्ट करती हूँ। देखिए ये हमें इक्वेशन जो है वो गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई। अब मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, ये हमारी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में है, ठीक है, एम इज दिस हियर एंड एन इज दिस हियर, ठीक है। तो इसमें आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं उसको चेक करने का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, डेल एम अपॉन में डेल वाई, ये करेक्ट कर लेना अगर आपने गलत लिख दिया है पहले तो, मतलब मैंने गलत लिखवा दिया होगा आपने नहीं लिखा होगा, तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना, डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स। तो चलिए अब इसमें हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर एम की जगह एम की वैल्यू पुट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेल वाई और एन की जगह एन की वैल्यू पुट करते हैं डेल एक्स, ठीक है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, देखिए वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर इस टर्म को तो ये वाला तो हमारा जीरो हो जाएगा माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा वाई ए, सिमिलरली आपका ये वाई स्क्वायर जीरो हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस ए, तो अल्टीमेटली आपका माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए आ गया। तो आपका जो है डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल हो गया आपस में, तो इससे हमें क्या पता चल गया हमारी इक्वेशन जो है वो एक्जैक्ट है। अब आपको इसका लिखना है जनरल सोल्यूशन, ठीक है। जनरल सोल्यूशन में मैंने आपको क्या बताया था, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन विच डू नॉट कंटेन एक्स, विच डू नॉट कंटेन एक्स इंटू डेल वाई इक्वल्स टू जीरो, आपको ये चीज़ लिखनी है। तो चलिए अब हम लिखते हैं, पहले एम को हम देखिए, अब इसका जो जनरल सोल्यूशन का मैंने आपको ये बताया है ना, बेसिकली ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जो आपको देखने में लग रहा है ना इतना बड़ा सा, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, लॉन्ग कट कुछ नहीं होता है, मतलब जो आपका एक ट्रेडिशनल मेथड है ना उसमें आपके तीन चार तरह के मेथड्स लगते हैं, तीन चार स्टेप्स लगते हैं, नॉट स्टेप्स एग्जैक्टली, मतलब पहले आप सिर्फ एम डेल एम डी एक्स निकालोगे, फिर एन डी एक्स निकालोगे, एन डी वाई निकालोगे, इस तरह से तीन चार चीज़ें करनी पड़ती हैं तब आपका फाइनल जाके एक सोल्यूशन मिलता है, पर हम उतना सब नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता और ना ही रिक्वायर्ड होता है। तो हम सिर्फ सीधा सा ये देख लेते हैं, टर्म्स ऑफ एन विच डू नॉट कंटेनिंग एक्स, ये एक शॉर्टकट है और वो इन सब से सॉल्व करके एंड रिजल्ट जो निकल कर आता है वो आपका इससे भी निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो इस ट्रिक को याद कर लीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर एम डी एक्स को पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन विच डू नॉट कंटेन एक्स। तो अब आप एन के टर्म में देखिए जिसमें जिसमें एक्स नहीं आता है, तो आपका सिर्फ एक ये टर्म बचा, तो इसको रख लेंगे हम वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू सी होता है ना हमारा, ठीक है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, ये तो आ जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस ए एक्स वाई आ जाएगा यहाँ, प्लस ये भी आपका आ जाएगा वाई क्यूब बाई थ्री इक्वल्स टू सी। अब चाहे तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा आपका थ्री एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस ए एक्स वाई इक्वल्स टू सी, चाहे तो थ्री को इधर ले आइए तो आपका थ्री सी हो जाएगा, तो यू कैन राइट इट लाइक ए एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस ए एक्स वाई इक्वल्स टू थ्री। अब आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस तरह का ऑप्शन गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, या फिर ये गिवन है, और हो सकता है क्वेश्चन में आपको एक ही कोई वैल्यू दे दे टू या थ्री, तो उसको आपको फिर पुट करके जो आंसर आएगा आपको वो बताना होगा। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, अभी हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे लेकिन अभी आपको यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक सेकेंड वेट कीजिए।